फिल्म तो आपने बहुत सारी देखी होगी, लेकिन अब एक यूनिक सब्जेक्ट के साथ में एक और एक फिल्म आ रही है और उसका नाम है ओ माई गॉड 2। आपने पहला पार्ट तो देखा होगा, लेकिन जितनी खबरें हमें मिल रही है उसके मुताबिक फर्स्ट पार्ट से ये फिल्म थोड़ी सी हटके है। कैसे हटके है, आइए हम बात करते हैं यामी से और हम बात करते हैं पंकज जी से। तो ये फिल्म कैसे अलग है? आपने भी आई एम श्योर कि ओ माई गॉड पार्ट 1 देखी ही होगी। आप बताएं। मैंने देखी है, बट सिर्फ जो एक एक ब्रॉड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं कि वो है, और ऑफ कोर्स बहुत अच्छी फिल्म थी एंड परेश जी को कौन पसंद नहीं करता, यू नो, बट बिल्कुल दोनों अलग फिल्म है। अगर बाय चांस आपने वो फिल्म नहीं देखी है तो इट्स ओके, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट फिल्म एंड बिल्कुल अलग कहानी है, बिल्कुल अलग किरदार हैं, अलग भाषा है, और बिल्कुल ही नया अलग सब्जेक्ट है। वो तो जो सब्जेक्ट तो इतना नया है, नॉट जस्ट कंपेयरिंग इट विद ओ माय गॉड बट एनी अदर फिल्म, इट्स कम्प्लीटली न्यू। और या दैट्स इट। तो आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग नहीं था, क्योंकि पहली ओ माय गॉड पार्ट 1 काफ़ी हिट गई थी, परेश जी ने उसमें काम किया था, वो भी NSD से, आप दोनों ही NSD से, तो थोड़ा सा ऐसा मन में झिझक नहीं हुई कि पता नहीं लोग आपके इस कैरेक्टर को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो हिट फिल्म है? नहीं नहीं, परेश सर हमारे चेयरमैन हैं NSD के, और मैं उनका विद्यार्थी हूँ उसी NSD का, तो उनका आशीर्वाद स्नेह हमेशा है, मुझे बहुत प्रेम करते हैं वो, मैं उनके कई इंटरव्यूज में भी ये सुन चुका हूँ, सो थैंक यू परेश सर, धन्यवाद। नहीं, इसका फॉर्मेट और स्ट्रक्चर स्क्रीन प्ले वाइज वैसा है कि ओ माई गॉड 1 की तरह, बाकी कहानी और किरदार बिल्कुल अलग हैं, वो उनके किरदार का एक्सटेंशन नहीं है, ये ऑल टुगेदर नए लोग हैं, ये आस्तिक हैं, उसमें वो नास्तिक थे, यहाँ कांति भाई जो हैं वो आस्तिक हैं, भगवान के बहुत डिवोटी हैं, भक्त हैं, और उनके जीवन में एक घटना होती है, वो घटना आगे बढ़ती है, फिल्म की कहानी है, और जब घटना, यही कहानी है, एक मिडिल क्लास डिवोटी परिवार जो शंकर जी के प्रांगण के आसपास कहीं रहता है और भक्त है, उसके जीवन में क्राइसिस होती है, और फिर वो कहानी कोर्टरूम तक पहुंचती है, हम लोग मिलते हैं, बहसें चलती हैं जैसे कोर्ट में मुकदमे में होती हैं, और फिर कहानी एक कंक्लूजन पर पहुँचती है, उस कंक्लूजन के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये सेक्स एडुकेशन टॉपिक हाईलाइट होता है, पूरी फिल्म नहीं है सेक्स एडुकेशन के ऊपर, जो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है स्टोरी रॉन्ग। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि किसी ने फिल्म देखी नहीं, किसी ने फिल्म नहीं देखी है, बहुत गिने चुने लोगों ने देखी है, और जब यहाँ से बात वहाँ जाती है, वही हम लोग आपके कॉलिग से भी बात कर रहे थे, दैट इट्स व्हाट हैपेंस एट सेंसर बोर्ड और सेंसर स्क्रीनिंग, वो प्रोड्यूसर और उनके बीच की बात है, कैसे ये सारी चीज़ें बाहर आती हैं, और ऑफ कोर्स बाहर आएंगी तो मल्टीप्लाई होंगी, वी अंडरस्टैंड द क्यूरियोसिटी, वी अंडरस्टैंड द एंटिसिपेशन, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फिल्म है, तो ऑफ कोर्स सेंसेशनलाइज तो करना बहुत आसान हो जाता है, बट उन लोगों ने फिल्म नहीं देखी है, एंड इवेंचुअली फिल्म जनता के लिए है, फिल्म सबके लिए, आप सबके लिए है, बट पहले फिल्म देखिए एंड देन डिसाइड, क्योंकि हम भी जानते हैं कि हमारी भी अपनी ऑडियंस है, हमारी भी अपनी फैमिली ऑडियंस है, जो हम हर फिल्म के साथ चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, राइट? एंड अक्षय सर कम्स ऑफ अ सर्टन स्टैंडिंग, डॉक्टर द्विवेदी जो इतने दिग्गज है व्हेन इट कम्स टू राइटिंग एंड लिटरेचर, और जिस तरह के आप सब जानते हैं, वी डोंट नीड, ही डजंट नीड सांस्कृतिक ऐतिहासिक पौराणिक किताबों में उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है मुंबई में। अमित राय जो डायरेक्टर और राइटर हैं इस फिल्म के, वो खुद बहुत बड़े भक्त हैं, पर्सनली मैं आपको जस्ट बता रही हूँ शिव जी के, और जिस तरह से वो बात करते हैं, दैट्स व्हाई पंकज जी कह रहे थे आई विश वो यहाँ पर होते, तो आप समझ जाते कि क्यों वो ये फिल्म बनाना चाहते थे। इट्स वॉज नॉट जस्ट अ प्रोजेक्ट कि चलो मुझे ये कास्ट मिल रही है, मुझे ये बजट मिल रहा है, ये इस फिल्म ऐसी फिल्म्स का ट्रेंड है तो चलो फिल्म बनाते हैं, ऐसा भी होता है, बट दिस इज़ नॉट वन ऑफ दोज फिल्म्स, ही वॉज रियली ड्रिवन। जब तक हमारे पास कॉल आया इस फिल्म को लेकर, मेरे पास भी कोविड चल रहा था, दे वर ऑल ऑन द सेम पेज इन टर्म्स ऑफ पैशन, इन टर्म्स ऑफ इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट दे हैव कम अक्रॉस, और ये फिल्म ऑडियंस तक पहुँचनी चाहिए एक अच्छे तरीके से, एक एंटरटेनिंग तरीके से। ऑफकोर्स पंकज जी हैं तो ह्यूमर तो
बिल्कुल हमारा हक है एक्सपेक्ट करना उनसे, और बहुत सुंदर तरीके से वो जो जो भी कॉन्वर्सेशन है, जो भी बात है, हमें लगता है कही गई है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रोवर्सी इसलिए शुरू हुई क्योंकि सेंसर बोर्ड ने कुछ कट्स कर दिए सीन और फिर ए सर्टिफिकेट दी? जी, मैं तो ये कहूंगी ये विडंबना है कि जो क्लास को ये देखनी चाहिए, स्पेशली टीनेज को, वही दूर रह जाएगी 12 प्लस। इसका थोड़ा मलाल होता है। इनफैक्ट आज कोई जर्नलिस्ट ही बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि दुबई में 12 प्लस मिला है इस फिल्म को। तो जहाँ की कहानी है, जिस सांस्कृतिक और सनातन की बात कहानी कहती है, तो वहाँ पे ही 18 प्लस का सर्टिफिकेट है। और बट ठीक है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है जो पेरेंट्स देखेंगे, जो 18 प्लस के लोग देखेंगे, तो जो फिल्म का मैसेज है वो अगर बातचीत शुरू हो जाए, लोग बातचीत करने लगे एटलीस्ट, तो पर्पस सॉल्व, वो भी बहुत बड़ी बात है। आई नो कि हमें पता है कि एक फिल्म से दुनिया नहीं बदल जाती है, लेकिन लोग सोचना चालू कर दें, एटलीस्ट बातचीत होने लगे या सहज स्वीकार हो जाए, तो भी उपलब्धि है। लेकिन आज भी हमारे फैमिली में इस तरह की बातचीत इस टॉपिक पे तो होती नहीं है। जी, तो आपकी फैमिली में किस तरह का माहौल है, क्योंकि आपकी बेटी भी टीनेज है, तो किस तरह का माहौल? हमारा तो बड़ा बहुत अच्छा संबंध है मेरी बेटी से। अभी वो 17th में पहुंची हैं और ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि दोस्ती हो चुकी है। तो बट वो भी हमारा मर्यादा रखती है, दोस्त का मतलब ये नहीं कि, और हम भी उनका उतना ही रिस्पेक्ट, आदर, फ्रीडम देते हैं। तो बहुत अच्छा खुशनुमा संबंध है मेरी बेटी से। और वो संबंध मेरे पिताजी का मेरी बहन से नहीं था, उनमें एक दूरी थी, वो मेरे में नहीं है। तो ये बदलाव तो मैं अपने सामने ही देख रहा हूँ, जो दुनिया में भी अब 48 का होने वाला हूँ। तो हमने जो इंटरनेट युग नहीं था हमारे वक्त में, मोबाइल्स नहीं थे, हम बैठ के इनकी दादी नानी कहानियाँ सुनाती थी रात को सोने के लिए। तो अब तो वो दौर ही चला गया, अब तो मोबाइल बोलता है मैं कहानी सुना दूंगा, और फिर आप बोलता है वीडियो फॉर्मेट में देख लो, फिर नींद उड़ जाती है, फिर आपको अब सोने के लिए दूसरी कहानी सुनते, सोने का म्यूजिक कोई लगाओ, बोलता है वो भी है मेरे पास, तुम वीडियो बंद कर दो, वो ऑडियो पे आ जाओ, मैं सुनाऊंगा। तो फिल्म में भी एक चर्चा है इस विषय पर, हाँ, कि भाई आप आज के क्रांति, संचार कम्युनिकेशन क्रांति के युग में, संचार क्रांति, हर बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है, तब तो और आवश्यक है, ज़रूरी है कि तुम उसको बताना कि यहाँ अच्छा और बुरा सब कुछ है, तुम्हें क्या देखना है, कैसे देखना है, और इसका प्रभाव कैसे कम करना है, या कैसे इसके साथ सीखना है रहना। हम मोबाइल चलाने के लिए लिए थे, मोबाइल हमें चलाने लगा। खैर, तो फिल्म की स्क्रीनिंग हो चुकी है आपकी फैमिली? हाँ, हमने हम घर परिवारों ने देख लिया है। देख लिया आपकी फैमिली? बहुत अच्छा लगा। मेरी ऑफकोर्स आदित्य ने, माई ब्रदर हुज यंगर देन मी, मेरी मदर, उन्होंने देखी है, और तीनों ही ऑफकोर्स अलग पड़ाव पे हैं, और तीनों को ही फिल्म बहुत अच्छी लगी और बहुत ज़रूरी लगी। और दैट वी होपिंग द सेम कि द सक्सेस ऑफ सच अ फिल्म, अगर ये फिल्म सक्सेस होती है ऑडियंस के साथ, अगर ये फिल्म लोग देखते हैं, वो उनका प्रोग्रेसिव माइंड दर्शाता है, वो एक अलग वो माइंडसेट दर्शाता है दैट वी आर रेडी फॉर अ सर्टन चेंज। वो चेंज, जैसे पंकज जी ने कहा, एक दिन में तो नहीं आएगा, बट एटलीस्ट उसका एक कॉन्वर्सेशन भी एक स्टार्ट होना। इसलिए ये फिल्म, यू नो, आई विश हम ये बात फिल्म रिलीज़ होने के बाद करते, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी बातों पे सटली टच करता है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट, जैसे आप कह रहे हैं मीडिया में किसी ने लिख दिया, बहुत आसानी से कोई लिख देता है कुछ भी, सालों का हार्डवर्क है हमारा, नहीं सालों का राइटर का, डायरेक्टर का, कैसे कैसे उन्होंने प्रोड्यूसर उनको ढूंढा होगा, कैसे उन्होंने अक्षय जी से यू नो कॉन्टैक्ट किया होगा, उसके बाद कितना बहुत टाइम लगता है। सो एक सेकेंड में किसी को ऐसे जज कर लेना, एंड स्पेशली as I said, when you'll watch the film, you'll realize that why it is an important film in today's time. कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि फिल्म का ट्रेलर देखकर कुछ लोगों ने रिलीजियस कलर देने की कोशिश की, इसीलिए ये शुरू हो गया सब? हाँ, हम इंटरनेट पे, आजकल क्या है ना, इंटरनेट पे हम, इंटरनेट हमें संदेह में डालता है,
कि संदेह करो कि ऐसा तो नहीं है, ये तो नहीं होगा, प्लस हम प्रतिक्रिया तुरंत दे देते हैं बिना सोचे समझे। एक ने कोई वीडियो बनाया कि देखो इसमें ऐसा है वैसा है, और उस पर हम लोग राय दे देते हैं। आप ट्रेलर एक तीन मिनट दो मिनट तीस सेकंड का छोटा टुकड़ा है, कौन फिल्म की कहानी में कुछ और होगा, वो किस संदर्भ में इस्तेमाल हुआ होगा, आपको संदर्भ आगे पीछे का नहीं मालूम है कुछ भी, तो एक विजुअल एक फ्रेम से आप नहीं तय कर सकते कुछ भी कि ये क्या है। बट ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सब कुछ आता है, आपको जैसा अभिव्यक्त करना है करिए, अच्छी बात है, लेकिन जान के करिए। प्रतिक्रिया देने के पहले तीन बार सोचिए कि क्या मैं, मेरी प्रतिक्रिया सही है, क्या मैं इस प्रतिक्रिया जिस विषय पे दे रहा हूँ उस विषय के बारे में मुझे जानकारी है, अगर फिल्म पे दे रहा हूँ तो वो फिल्म मैं देख चुका हूँ, नहीं तो हो सकता है कि मेरी प्रतिक्रिया उचित ना हो क्योंकि मुझे तो अनुमान ही नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबरें चल जाती हैं मीडिया में, भाई ये सूत्र गलत भी हो सकते हैं, तो ये सिनेमा है, एक ज़रूरी सिनेमा है और मनोरंजक सिनेमा है। अक्षय सर जैसे अभिनेता के लिए ही ये संभव था, बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने ऐसे विषय को चुना। जैसे आपने पहले कहा कि उस सामाजिक मुद्दों पे कहानियाँ कहते आए हैं, और वो कल भी हमारी बात हो रही थी, बोले थे यही बात हुई कि ये फिल्म हम लोग मेरी कुछ खास फिल्मों में से होगी और ये लंबे समय तक हम इस पर गर्व महसूस करेंगे। अब हम खुद एक्साइटेड हैं, ऑडियंस का रिएक्शन देखने का अगले 3-4 दिन का वक्त है, फिर सब कुछ साफ हो जाएगा। अभी बंदिशें होती हैं कि इंटरव्यू में हम कहानी कितना खोलें, क्या बताएं, तो इसलिए हम लोग कई बार घुमाते हैं इधर उधर, बट 3 दिन बाद जब ऑडियंस आएगी देखेगी तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या है, क्यों है, कैसा है। तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सीन कौन सा रहा फिल्म में? ऑफ कोर्स कोर्टरूम ड्रामा, क्योंकि फिल्म का 60% ऑलमोस्ट कोर्टरूम ड्रामा तो होगा ही, 60-65% उसमें लंबी लंबी बहसें, आर्गुमेंट। हालांकि कल वो परसों फिल्म देखते हुए मुझे लगा यार इतना मेहनत किए थे तो बहुत जल्दी चले जा रहे हैं सीन, क्योंकि वहाँ रीटेक्स होते हैं, वाइड हुआ, क्लोज हुआ, बैकशॉट हुआ, तो एक सीन को फिल्माने में हम 3 दिन लगाते हैं, देखने में तो 3 मिनट में निकल जाता, लगता रहे इतनी मेहनत किए थे, इतनी जल्दी सीन चला गया। मेरी पत्नी बोली तुम बोलते थे लंबी लाइनें हैं, कहाँ लंबी लाइनें थी। मैं बोला सुनो मुझे भी लग रहा है लंबी लाइनें तो थी नहीं, पर मेरे को पढ़ने में तो साथ साथ पन्ने के दिख रहे थे। क्योंकि जब मुझे लगता है जब किसी चीज़ में मज़ा आता है देखने में खासकर, तो लगता है अरे ख़त्म और मज़ा आ रहा था, वी रियली एंजॉय इट। बट हाँ थोड़ा अजीब लगेगा खुद की हम आपस में दर्शक देखें करें उन्हीं की बिल्कुल बिल्कुल शर्माते। एब्सोल्युटली सदगुरु ने भी ट्वीट किया है फिल्म जी, जी, जी। सराहना की है उन्होंने इस फिल्म को लेकर, तो आप क्या मैसेज देंगे हमारे ऑडियंस को? कुछ नहीं, आप बिना कोई राय रखे 11 अगस्त को आप जाएं सिनेमा घरों में, फिल्म देखें, उसके बाद अपनी राय बनाएं और फिर अपनी प्रतिक्रिया दें, स्वीकार्य है, लेकिन देखने के बाद प्रतिक्रिया दें। और मनोरंजक फिल्म है ये तो हम दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग फिल्म के हिस्सा होते हुए भी हंसे हैं। मैं और हमारे बाजू में एक फिल्म के ही क्रू मेंबर थे जो सीनियर क्रू मेंबर हैं, कुर्सी से उछल उछल के हंस रहे थे, मुझे ऐसे हाथ पे ताली मार रहे थे, बोले यार हम लोग साथ ही काम किए हैं। और मैं कट बोलने के बाद हंसती थी क्योंकि मुझे पंकज जी वो तो बहुत ही फनी था, वो तो आप हंस सकती हूँ। बस यही कहना चाहेंगे प्लीज़ ज़रूर फिल्म देखिए OMG 2, और भरोसा रखिए कि हम भी फैमिली ऑडियंस वाले ही हैं, हम ऐसा कभी कुछ अगर ऐसे कोई फिल्म का कभी हिस्सा बनेंगे जो लगेगा कि नहीं एक सर्टन सेक्शन को ही देखना चाहिए, वो भी हम ज़रूर बताएंगे। देन इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम खुद और एक बतौर एक्टर आप कुछ भी कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है और आपको लगता है आपको किसी कोई भी कारणवश यू नो आपको वो फिल्म करनी है, ये वो फिल्म ऐसी नहीं है जैसे अगर आपको आपके माध्यम से अगर मैं कहूँ किसी को ऐसा इम्प्रेशन गया हो कि ऐसा क्या है फिल्म में, ऐसा नहीं है। उसकी कुछ बहुत ही खूबसूरत संवाद है, कुछ बहुत ही खूबसूरत एक यू नो विजुअल है, इतना एक नए तरीके से एक ऐसी कहानी बताई जा रही है जो शायद कहीं ना कहीं हम सबके पास थी, बट इट इज़ जस्ट यू नो काइंड ऑफ अ कम बैक टू ऑल ऑफ अस। और ऑफ कोर्स जैसे और भारतीय मूल्यों को ये कहानी सही मायने में स्थापित करती है जी,
तार्किक तरीके से हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को, हमारी प्राचीन संस्कृति को ये स्थापित करती है फिल्म। चलिए हमसे बात करेंगे, थैंक यू। अरे धन्यवाद मैम, धन्यवाद।